पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मॉम प्लीज, बचपन से लेके आज तक आपने मुझे हमेशा सिखाया कि दूसरों की बात माननी चाहिए, तो आप प्लीज आप हमारी बात मान लीजिए ना, अभी के लिए मान लीजिए प्लीज। हाँ मम्मी प्लीज, आपके बिना घर बहुत सूना हो जाएगा, प्लीज हमारे साथ रुक जाइए। ताई जी प्लीज समझो ना बात को, आप क्या करोगे लंदन जाके? प्लीज मम्मी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? प्लीज क्या हो गया? बस हो गया, जो करना है प्लीज कुछ भी कर रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं आप। मॉम जस्ट स्टॉप इट नाउ, प्लीज मत कीजिए, इट्स इनफ इज इनफ। अरे भाई तन्वी, मौली देखो मम्मी, मम्मी मॉम आके खोलो प्लीज, मॉम की ये कंडीशन मेरी वजह से हुई, मैंने बहुत परेशान किया पार्टनर। रोहित तू उसके बारे में ज्यादा सोच मत, रिलैक्स। मैं स्टेथोस्कोप लेकर आती हूँ। रुको रुको मैं लेकर आती हूँ। तन्वी प्लीज आके खोलो, देखो आई प्रॉमिस यू, पक्का वाला प्रॉमिस, मैं रोहित को अमेरिका भेजूंगा पढ़ने के लिए, तुम बस आंखें खोलो तन्वी प्लीज, प्लीज तन्वी प्लीज ओपन योर आईज। मुझे लगा ही था इसकी तबीयत खराब है, दो तीन दिन से ऐसा ही हो रहा है। मतलब पहले भी चक्कर आ चुका है? हाँ, कल किचन में गिर गई थी और कह रही थी कि बहुत थकावट लग रही है, परेशान रहेगी, टेंशन लेगी, तो यही सब होगा ना मौली। कोई बात नहीं दादा, आप इधर आइए, थोड़ी हवा आने दीजिए, हाँ पीछे आइए। तन्वी इतनी टेंशन मत लीजिए, तो टेंशन की वजह से चक्कर आया होगा। मौली दवाई दे रही है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मम्मी आंखें खोलिए ना मम्मी। मॉम तन्वी प्लीज आंखें खोलो, तन्वी तन्वी उठो उठो, तन्वी आंखें खोलो, उठो। ठीक है बेटा, आराम से। ज्योति वो हमने जूस बनाया है ना, वो लेकर के आओ जल्दी से। जी जानकी मां। मौली सब ठीक तो है ना? हाँ जानकी माँ, मुझे लगता है बस एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गया होगा, थोड़ा रेस्ट करेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। क्यों इतना स्ट्रेस लेती हो तुम? हाँ डरा दिया तुमने मुझे, ये ले तन्वी जूस पी। नहीं जानकी माँ मैं ठीक हूँ। अगर ठीक होती तो चक्कर आते भला? अब हमसे लड़ रही हो तो लड़ने की ताकत भी तो होनी चाहिए, जूस पियोगी तभी तो ताकत आएगी। चलो पिलाओ जूस इसे, चलो पी लो, कम ऑन। पापा आप मम्मी को ना रूम में ले जाइए, ब्रेस्ट करेंगे तो उनको बेटर लगेगा। आओ तन्वी आ जाओ, आराम से आराम से। पापा आप रहने दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ मम्मी को, मैं दवाई भी दे दूंगी। चले जाओ, मैं दवाई दे दूंगी ना, आप प्लीज मेरे साथ चले, मैं लेकर जाती हूँ। ठीक है ठीक है मौली, तुम ले जाओ, मैं इसके लिए दलिया बना के लाऊं। हाँ मुझे आपको एक बात बतानी, मम्मी आप पहले आराम से बैठिए। ऐसा क्या बताना है जो मुझे रूम में ले आई? क्या हुआ है मुझे? आप प्लीज शांति से पहले बैठ जाइए। मैं नहीं बैठूंगी, पहले मुझे बताओ क्या हुआ है मुझे। मम्मी मम्मी आपके आपके प्राइमरी सिम्टम्स ये बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स पहले मुझे टेस्ट करने होंगे, लेकिन आपके सिम्टम्स ये बता रहे हैं कि आप माँ बनने वाली हैं। क्या? कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। तुम डॉक्टर हो या कॉमेडियन? मुझे भद्दे मजाक ना बिल्कुल नहीं सुनने। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ,
सीरियसली आपके सिम्टम्स ना एक प्रेग्नेंट वुमेन के हैं। चल चल रहने दे, मुझे सब पता है। तू ये इसलिए कर रही है ना ताकि मुझे बदला ले और मोहल्ले में जाके इस बात का हल्ला करे ताकि सब मुझ पे हंसे, है ना? यही तेरा प्लान है ना? नहीं मम्मी, मम्मी मेरा कोई प्लान नहीं है, कोई नहीं हंसेगा आप पे। इनफैक्ट प्रेग्नेंट होना तो वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग होती है। मम्मी सब आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और मैं भी हूं ना आपके साथ। तू बकवास बंद कर और मेरा टेस्ट करा, तेरा झूठ अपने आप सामने आ जाएगा। ओके देन, मैं किट लेकर आती हूँ। हाँ एक मिनट, टेस्ट से पहले ये बात तो किसी से नहीं बोलेगी। किसी को नहीं बोलूंगी, आर सीक्रेट, किसी से नहीं बोलूंगी। और हाँ मम्मी, आप टेंशन वेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं तब तक किट लेकर आती हूँ, आप रेस्ट कीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत। सलोनी, अरे ये सलोनी नहीं आई अभी तक? नहीं जानकी मैम, से बोला था पूजा का सामान लाना है। अरे वो पूजा का सामान आएगी तभी तो राम दरबार सजाएंगे हम। मैं देखती हूँ। हाँ देखो जल्दी से, सामान क्या है ये? लड़की तो आई है, सब लेकर के आई है ना ये? हाँ अरे ये सामान में, इसका मतलब इस घर में खुशखबरी आने वाली है, सलोनी माँ बनने वाली है। चलो सबसे पहले जाकर सलोनी की नजर उतारते हैं और उससे पहले ना उससे पूछकर खबर भी पक्की कर लेते हैं। मम्मी चलिए आपको टेस्ट करना है। लेकिन तो, हाँ मैंने दो किट मंगवाई थी लेकिन केमिस्ट ने शायद एक ही थी, अब चलिए को देख लेगा। सलोनी अचार डाल रही है, का मतलब हमारा शक सही निकला, हमारी बहू गर्भवती है। मम्मी जी हाँ, ये वाले आम के अचार के पराठे बनाने हैं ना? हाँ यही वाले। हाँ स्वरा जी, जानकी तुझे अचार वाले परांठे कब से अच्छे लगने लगे? जानकी माँ वो जबलपुर में सीखे थे, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी चक्कर देखिए। हाँ। जी जी हाँ? मुझे भी कभी खाया नहीं है, चटपटा खाने का काफी मन कर रहा है मेरा। अच्छा? हाँ हाँ, और अचार को देखकर ना मुझे भी बहुत क्रेविंग हो जाती है खाने की। सबके लिए बना दूंगी। डन। तो आपको यकीन हो गया ना कि आपके अंदर एक नन्ही सी प्यारी सी जान पल रही है। I am so happy for you, mommy. अगर ये बात विजय को पता चल गई तो खुश नहीं होंगे? हे भगवान, क्यों नहीं होंगे मम्मी? I am sure वो सबसे ज्यादा खुश होंगे।
चलिए ना, उनको चल के ये गुड न्यूज देते। चलिए ना मम्मी, प्लीज। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।